हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ग्रीन्स थ्योरम। तो ग्रीन्स थ्योरम ये कहता है कि अगर आपके पास एक वेक्टर फील्ड ए है और ये वेक्टर फील्ड जो है ये प्रोडक्ट है स्केलर फंक्शन फाई वन का और ग्रेडियंट फाई टू का, स्केलर फंक्शन के ग्रेडियंट फाई टू का, तो फिर ये दो कंडीशन को ये ओबे करेगा। फाई टू डेल स्क्वायर फाई वन प्लस डेल फाई टू डेल फाई वन इंटू डी वी इज इक्वल्स टू डबल इंटीग्रल फाई टू डेल फाई वन डी ए, और ये दूसरा वाला कंडीशन। तो आपको सबसे पहले तो ट्रिपल इंटीग्रल, हमने पहले ही कहा है कि वॉल्यूम इंटीग्रल को कहते हैं, डबल सरफेस इंटीग्रल के लिए होता है। तो यहाँ पर हम ये बता दें कि आप सबसे पहले यहाँ पर नोटिस करिए, टू वन टू वन टू वन तीनों हैं, और यहाँ पर क्या है, वन टू टू वन वन टू टू वन, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, तब फिर आपको प्रूफ करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे इसको हम प्रूफ करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना होगा, लेट वेक्टर ए इज़ इक्वल्स टू फाई वन डेल फाई टू, क्योंकि हमने कहा कि ये प्रोडक्ट है स्केलर फंक्शन का और ग्रेडियंट का। तो फाई वन और डेल फाई टू को हम कैसे लिख सकते हैं, आई कैप डेल फाई टू बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई टू बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई टू बाई डेल जेड, इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको। तो फिर डेल डॉट ए जो है इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका डेल ए एक्स बाई डेल एक्स प्लस डेल ए वाई बाई डेल वाई प्लस डेल ए जेड बाई डेल जेड। सो दिस इज इक्वल्स टू डेल बाई डेल एक्स, ए को हमने ऑलरेडी लिख रखा है, उसी फॉर्म पे हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं सिंपली, डेल एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई फाई वन डेल फाई टू बाई डेल वाई प्लस डेल बाई डेल जेड फाई वन डेल फाई टू बाई डेल जेड। सो दिस इज़ इक्वल्स टू, इसको अगर हम ओपन करेंगे तो फाई वन डेल स्क्वायर फाई टू बाई डेल एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा, प्लस एक बार हम क्या करेंगे, फाई वन बाहर किया डेल स्क्वायर फाई टू बाई डेल एक्स स्क्वायर, दूसरी बारी में हम क्या कर रहे हैं, डेल फाई वन बाई डेल एक्स सिंपली इंटू डेल फाई टू बाई डेल एक्स, वैसे ही बाकी को भी लिखेंगे, प्लस फाई वन डेल स्क्वायर फाई टू बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल फाई वन बाई डेल वाई डेल फाई टू बाई डेल वाई प्लस फाई वन डेल स्क्वायर फाई टू बाई डेल जेड स्क्वायर प्लस डेल फाई वन बाई डेल जेड डेल फाई टू बाई डेल जेड। तो इस तरीके से हमको डेल डॉट ए को लिखना होगा। अब इसके आगे हम इसी को और चेंज करके कैसे लिख सकते हैं, और डेल डॉट ए इज इक्वल्स टू फाई वन डेल स्क्वायर, फाई वन को कॉमन निकाल करके हम क्या कर रहे हैं, डेल स्क्वायर फाई टू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई टू बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई टू बाई डेल जेड स्क्वायर प्लस बाकी सारे टर्म्स को एक साथ, यानी यहाँ पे डेल फाई वन बाई डेल एक्स डेल फाई टू बाई डेल एक्स प्लस डेल फाई वन बाई डेल वाई डेल फाई टू बाई डेल वाई प्लस डेल फाई वन बाई डेल जेड डेल फाई टू बाई डेल जेड। सो दिस इज इक्वल्स टू फाई वन आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड इन टू, थोड़ा चेंज करके हम लिख रहे हैं एक्चुअली इसको, डेल फाई टू बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई टू बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई टू बाई डेल जेड प्लस आई कैप डेल फाई वन बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई वन बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई वन बाई डेल जेड इन टू, इनटू करके लिखेंगे इसके आगे तभी तो हमारा लास्ट वाला टर्म बनेगा, डेल फाई टू बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई टू बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई टू बाई डेल जेड। कुछ नहीं किया हमने, एक्सपेंड करके लिख दिया इस वाले को,
आईजे के टर्म्स में. तो दिस इज इक्वल्स टू फाई वन डेल डॉट डेल फाई टू, ये लिख सकते हैं, प्लस डेल फाई वन इंटू डेल फाई टू. तो दिस इज इक्वल्स टू फाई वन डेल स्क्वायर फाई टू प्लस डेल फाई वन इंटू डेल फाई टू. ये आ गया आपका. अब गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से हमको ये पता है कि ट्रिपल इंटीग्रल को हम डबल इंटीग्रल में लिख सकते हैं. तो आपका ट्रिपल इंटीग्रल यानी वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट ए इंटू डी वी इज इक्वल्स टू डबल इंटीग्रल ए डॉट डी ए, कुछ ऐसा लिखा जाता है. ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर वन. अब इसको जब हम ट्रिपल को डबल में कन्वर्ट करेंगे तो फिर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने पे हमको मिलेगा ट्रिपल इंटीग्रल यानी वॉल्यूम इंटीग्रल फाई वन डेल स्क्वायर फाई टू प्लस डेल फाई वन डेल फाई टू इंटू डी वी इज इक्वल्स टू डबल इंटीग्रल फाई वन डेल फाई टू इंटू डी ए. ये हो गया इक्वेशन नंबर टू. और ये पहला फॉर्म हुआ आपका ग्रीन्स थ्योरम का. यहाँ पे क्या करेंगे हम, इंटरचेंज करेंगे फाई वन और फाई टू को इसी इक्वेशन में. तो इसी इक्वेशन में टू में जब इंटरचेंज करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, आपको मिलेगा ट्रिपल इंटीग्रल यानी वॉल्यूम इंटीग्रल फाई टू डेल स्क्वायर फाई वन प्लस डेल फाई टू डेल फाई वन इंटू डी वी इज इक्वल्स टू डबल इंटीग्रल फाई टू डेल फाई वन इंटू डी ए. ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर थ्री. टू और थ्री को सब्सट्रैक्ट अगर आप करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग थ्री फ्रॉम टू, थ्री को सब्ट्रैक्ट करना है टू से माइनस करना है, तो फिर आपको मिलेगा फाई वन डेल स्क्वायर फाई टू माइनस फाई टू डेल स्क्वायर फाई वन इंटू डी वी इज इक्वल्स टू डबल इंटीग्रल फाई वन डेल फाई टू माइनस फाई टू डेल फाई वन इंटू डी ए. ये आपका आ गया सेकेंड फॉर्म ग्रीन्स थ्योरम का. यहाँ पे हमने एक और कंसिडरेशन किया है, डेल फाई वन डेल फाई टू इज इक्वल्स टू डेल फाई टू डेल फाई वन. तो फिर ये आपका ग्रीन्स थ्योरम का दूसरा वाला फॉर्म भी प्रूफ हो गया. तो इस तरीके से हमको ग्रीन्स थ्योरम के दोनों फॉर्म को प्रूफ करना है. तो फिर ग्रीन्स थ्योरम से हमको ये पता चल जाएगा कि जो ग्रीन्स थ्योरम में हम यूज़ करेंगे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का, जिससे कि हमको सिंपली ट्रिपल को डबल इंटीग्रल में कन्वर्ट कैसे करते हैं, और करने के बाद हमको इजीली डी वी इक्वल्स टू डी ए वाला फॉर्म मिल जाएगा, यानी ट्रिपल इंटीग्रल इज इक्वल्स टू डबल इंटीग्रल वाला फॉर्म मिल जाएगा. तो आज के लिए इतना ही. अगर ये आपको पसंद आया तो शेयर लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें. और अगर इसमें कोई भी डाउट है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक यू.